हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमेटा के बारे में, जो कि हमारे एसीए जूलॉजी के यूनिट 2 का एक जो है टॉपिक है, यानी कि जो एम्फियोक्सिस द लेंसलेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स, इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका स्केलेटन, सीलोम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो पहला फाइलम जो है इसका कॉर्डेटा है, और इसका जो सब फाइलम जो सिफेलो कॉर्डेटा है, ग्रुप है इसका एकेरियाना। सो सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है कि ये जो है सारे जो मेंबर्स हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के, स्मॉल होते हैं, मरीन होते हैं एंड सुपरफिशियली फिश लाइक कॉर्डेट्स हैं ये, ठीक है। इनकी जो स्पेशल स्पेशल फीचर्स हैं इनके, ये हैं कि इनमें जो है 3 डिस्टिंक्टिव या फिर प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स ये शो करते हैं, जैसे कि इनमें एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। सो ये जो है प्रिमिटिव कॉर्डेट कंडीशंस को जो है शो करते हैं, और सो ये सारे किस में आते हैं, सिफेलो कॉर्डेट्स में। फिर इनकी जो क्लास है वो है लेप्टोकार्डी, क्लास है लेप्टोकार्डी, फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमेटी, एंड टाइप जो है इसका ब्रैंकियोस्टोमेटा है ये, ब्रैंकियोस्टोमेटा। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एम्फियोक्सिस या फिर द लेंसलेट इसको हम कहेंगे। सो इसका नाम जो है देखो सिफेलो कॉर्डेट से ये आया है, तो सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डे का मतलब होता है कॉर्ड, ओके। सो इसमें क्या है कि ये किस में है, एकेरियाना में है, यानी कि इसमें स्कल जो है वो एब्सेंट है, इसलिए इसका ग्रुप जो है वो एकेरियाना हो गया, क्योंकि इसमें स्कल एब्सेंट है। और ये जो है कॉमन नेम इसका लेंसलेट है, क्योंकि इसके जो दोनों एंड है बॉडी के वो एकदम फ्लैट होता है ये, और बॉडी जो है शार्प पॉइंटेड एंड लेंस लाइक होती है। सो इसका जो ब्रैंकियोस्टोमेटा जो है इसका जेनरिक नेम है, एंड एम्फियोक्सिस भी इसको हम कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उससे पहले जो लोग रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी जो है बुलाया है दिशा कंप्लीट कोर्स ऑन रीड लेवल 1, जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इसकी जो है मॉक टेस्ट भी जो है पहले फ्री मॉक टेस्ट भी चालू थी 21 से ही। सो ये स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर से, और ये सारे टीचर्स जो है आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। सो संगीता पालीवाल मैम जो है वो संस्कृत की क्लास लेंगी आपकी, एंड जो शब्लू सर हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोगॉजी की क्लास लेंगे। सो यहाँ पे जो है नया कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, यहाँ पे मॉक टेस्ट और संदेह सत्र के साथ साथ जो है लाइव आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। सो ज्योति नागपाल मैम जो है वो 28 सितंबर से आपकी क्लास लेंगी, फिर मोहम्मद रिजवान सर जो हैं वो लेंगे 5 दिसंबर से, 28 सितंबर से 5 दिसंबर तक, और फिर संगीता पालीवाल मैम की क्लास है, फिर मानव शर्मा सर की, और शब्लू सर और गोविंद राम सैनी सर। तो ये सारे जो है टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, ये आप लोगों की जो ये कोर्स है ये कम्प्लीट करवाएंगे रीड लेवल 1 का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे हम, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कि इसकी ऑलमोस्ट देखो ये इसके एक्सटर्नली ये इस तरह से दिखता है, ओके। इसकी शेप, साइज और कलर, ब्रैंकियोस्टोमेटा जो है वो स्मॉल और ये इलोंगेटेड है, नैरो फिश लाइक एनिमल है, जो कि 5 to 8 सेंटीमीटर जो है लेंथ में होता है। बॉडी इसकी वाइटिश है ये, और ट्रांसल्यूसेंट होती है, देखो अंदर के ऑर्गन्स भी जो है यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, ट्रांसल्यूसेंट है ये, और दोनों एंड पे जो है ये पॉइंटेड रहता है, टैपर्स टू द एंड्स, और इसलिए इसको हम जो है लेंसलेट नाम देते हैं या फिर लिटिल लेंस। तो इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो बरोइंग एज वेल एज स्विमिंग के लिए जो हेल्प करती है। देखो यहाँ पे ये आधे जो है अंदर दबे हुए हैं, इस ग्रेवल जो है यहाँ पे इसका नेचुरल हैबिटेट है ये,
शेल ग्रेवल में जो है इसका आधा पार्ट जो है अंदर दबा हुआ रहता है और बाहर आधा बाहर जो है इस तरह से निकला हुआ रहता है। सो ये हमको मिलते हैं इसके 9 स्पीशीज जो ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन है, यानी ये जो जितने भी डिफरेंट ओशंस हैं सब में ये पाए जाते हैं। ये मिलता है वार्मर सीज में जैसे कि मेडिटेरेनियन सी है, स्पेशली अबंडेंट नियर द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान। सो और यहाँ पे ये फूड की तरह भी जो है खाया, इनको यूज़ किया जाता है। तो जो इसकी स्पीशीज़ कॉमन है टू इंडियन ओशियन या फिर वो है कि ब्रैंकियोस्ट्रोमेटा इंडिकम और ब्रैंकियोस्ट्रोमेटा पैलाजिशियम एंड कैरेबियम। इसका हैबिटेट क्या है कि ये मरीन एनिमल्स हैं, कॉमनली शैलो वाटर्स में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर एंड सैंडी कोस्ट पे मिलेंगे ये हमको। सो इनकी जो है डबल मोड ऑफ लाइफ रहती है, मोस्टली ये जो है बरीड रहते हैं सैंड में यहाँ पे, और इनका जो इंटीरियर एंड है वही जो है सैंड के बाहर हमको दिखाई देता है, और रात में ये जो है उससे बाहर निकल के और स्विम करते हैं एक्टिवली, कम आउट ऑफ सैंड एंड दे स्विम एक्टिवली। सो एक्सटर्नल फीचर में डिवीजन ऑफ बॉडी जो है इसकी एक हेड है, ट्रू हेड जो है वो डीजनरेटेड है यहाँ पे और एब्सेंट है, हमने देखा ये जो है, और इनकी बॉडी जो है डिविजिबल होती है सिर्फ दो रीजन्स में, एक जो है ग्रेटर इंटीरियर रीजन जिसमें कि ट्रंक होता है और दूसरा जो है शॉर्टर रीजन जिसमें कि टेल होती है। दिस इज इंटीरियर रीजन एंड दिस इज जो शॉर्टर पोस्टीरियर रीजन जिसमें टेल है। इंटीरियर एंड जो है ऑफ ट्रंक प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट एज अ पॉइंटेड स्नाउट या फिर रोस्ट्रम, यहाँ पे जो ये रोस्ट्रम की तरह जो है या फिर स्नाउट की तरह जो है पॉइंटेड रहता है। अब इसके अपर्चर्स क्या है कि जो ट्रंक है उसमें तीन ओपनिंग होती है, एक माउथ है, दूसरा है एरियोपोर एंड और तीसरा होता है एनस। तो यहाँ पे तीन जो है ओपनिंग्स होंगी इसकी। सो ये है इसका रोस्ट्रम एंड ये जो है इसकी नोटोकॉर्ड है यहाँ पे, ये इसका एक एंटायर एनिमल राइट साइड व्यू है इसका। सो इसमें बक्कल सेरी, ओरल हुड, दिस इज ओरल हुड एंड पोजिशन ऑफ फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स हैं एंड दीज आर गोनाड्स, एंड ये जो है एट्रापल्यूरल फ्लोट्स हैं, फोल्ड्स हैं सॉरी, एंड डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन एंड टेल, और यहाँ जो है एनएस है इसका, ये इसकी ओपनिंग है एंड दिस माउथ एंड एट्रीपोर, ये इसकी सेकेंड ओपनिंग है यहाँ पे, एट्रियोपोर एनएस एंड माउथ। सो माउथ जो है वो बहुत ही इट्स अ वेरी वाइड पार्ट है, ये एंटीरियो वेंट्रल अपर्चर है बॉर्डर्ड बाय फ्री मार्जिन ऑफ ओरल हुड। तो यहाँ पे ओरल हुड जो है इसको बॉर्डर करता है माउथ को, एंड एट्रियोपोर जो है एक स्मॉल मिड वेंट्रल राउंडेड अपर्चर है, यहाँ पे एट्रियोपोर है जो कि स्मॉल मिड वेंट्रल राउंडेड अपर्चर है लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन्स, तो वेंट्रल फिन्स के जस्ट पास में ये जो है पाए जाते हैं। और उसके अलावा लार्ज एट्रियल कैविटी जो है वो फेरिंग्स को सराउंड करती है, फेरिंग्स ओपन टू आउटसाइड थ्रू द एट्रियोपोर। सो ये फेरिंग्स जो है यहाँ पे एट्रियोपोर के थ्रू जो है बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं, और एक और स्मॉल ओपनिंग होती है अपर्चर है जिसे एनएस कहते हैं, और एनएस जो है वो एसिमेट्रिकली लाई करता है लेफ्ट टू द मिड वेंट्रल लाइन एट द बेस ऑफ द कॉर्डल फिन। सो दिस इज कॉर्डल फिन, और यहाँ पे इसके बेस में जो है ये है एनएस, और ये स्मॉल पोस्टीरियर बॉडी रीजन है बिहाइंड द एनएस इज द टेल। सो ये है टेल इसकी। इसके अलावा इसमें फिन एंड फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें थ्री लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन या फिर अनपेड फिन्स हैं, जैसे कि डॉर्सल है एक, तो एक कॉर्डल है, डॉर्सल है एंड एक है वेंट्रल फिन। ओके, सो ये सारे जो फिन्स हैं इसमें तीन तरह के फिन्स पाए जाते हैं, एंड नेक्स्ट जो है इसमें डॉर्सल फिन जो है दिखे हमको, कॉर्डल फिन एंड वेंट्रल फिन्स, और उसके अलावा इनमें ये जो है फोल्ड्स हैं जैसे डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस हैं एंड वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस हैं, एंड ये इसमें पाई जाती हैं, और ये स्मॉल रेक्टेंगुलर जो है फिन रे बॉक्सेस हैं, ये फॉर्म होती है बाय स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ए सेंट्रल नोड्यूल। सो फिन रे जो है उनमें कॉर्डल फिन
आर लैकिंग इन द कॉडल फिन, फिन इसमें नहीं होते, कॉडल फिन में फिन रेज एबसेंट है. ओके, दो में ही पाई जाती है. तो जो फिन है एंड फिन रे बॉक्सेस है, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट इन फिशेस. फिश ये काफ़ी डिफरेंट है एंड पेयर्ड फिन जो यहाँ पे एबसेंट है, लेकिन ये जो है लॉन्गिट्यूडनली रन होते हैं अलॉन्ग द वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ द इंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रंक, ओरल हुड से लेके एट्रियोपोर तक जो है ये रन करते हैं. और यहाँ पे दो होलो मैम्ब्रेनस मेटाप्लूरल फोल्ड्स भी पाए जाते हैं. और ये जो है इसको हेल्प करते हैं इन बरोइंग इन द सैंड रैपिडली ड्यू टू जो बॉडी फ्लूड है, लिम्फ है, वो उनकी फ्लो की वजह से जो है ये इसको हेल्प करते हैं टू बरो इन द जो इनकी आधा पार्ट जो है सैंड में बरो रहता है और आधा जो है बाहर रहता है, तो ये इसमें मदद करेंगे. सो ये जो फोल्ड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाई हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड एपी प्लूरे. सो ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं एंड दीज आर एपी प्लूरल फोल्ड्स एंड दिस इज नोटोकॉर्ड विच इज़ रनिंग टिल द एंड टेल कॉडल फिन पोजिशन ऑफ एनस एंड वेंट्रल फिन रेज एंड वेंट्रल फिन. सो रोस्ट्रम यहाँ पर जो है बक्कल सिराई है जो कि माउथ को गार्ड कर रही है, ठीक है, उसके चारों तरफ है. सो इंटीरियर टू थर्ड बॉडी जो है उसमें एक होता है मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं जो कि अपीयर्स एज रफली ट्राइंगुलर एंड क्रॉस इन क्रॉस सेक्शन, वाइल पोस्टीरियर वन थर्ड जो रीजन है इसका उनमें वेंट्रल एंड कॉर्डन फिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि नियरली ओवल है. देन मायोटोम्स एंड गोनाड्स जो है, यहाँ पे मायोटोम्स एंड ये है गोनाड्स. सो ये जो है लेटरल साइड जो है बॉडी की, उसमें एक सीरीज होती है जिसमें कि ये गोनाड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि मसल शेप जो शेप है इनका मसल बैंड की तरह, जिनको मायोटोम्स या फिर मायोमियर्स कहते हैं. और ये ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है इसकी, इसमें से इसके जो ऑर्गन्स हैं वो दिखाई देते हैं. एंड बिटवीन माउथ एंड एट्रियोपोर हम देख सकते हैं आइदर साइड में बिलो जो मायोटोम्स हैं उनके नीचे एक सीरीज ऑफ गोनाड्स हमें यहाँ पर दिख रही है. पूरे जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ गोनाड्स जो है वो दिख रहा है हमको. देन नेक्स्ट इसकी बॉडी वॉल आएगी. तो बॉडी वॉल में जो है आउटसाइड से इनसाइड की तरफ एक तो पहले होती है कि थिन डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट स्किन है इनकी, फिर उसके बाद एक वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर है इनका एंड उसके बाद एक पेराइटल पेरिटोनियम है. ओके, स्किन जो है वो या फिर इंटैग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, इसमें एक आउटर थिन एपिडर्मिस होती है जो कि सिंगल लेयर की बनी होती है जो कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं विच लाई ऑन द बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ये जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं ये सीलिएटेड होते हैं, लेकिन जो मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं उनमें सीलिया जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं और एक थिन लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड काइटिन लाइक क्यूटिकल जो है परफोरेटेड एट प्लेसेस इज सिक्रेटेड एक्सटर्नली. सो जो एपिडर्मिस है उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं बट जो ग्लैंड सेल्स हैं एंड पिगमेंट सेल्स हैं इसमें एबसेंट होते हैं, इसलिए ट्रांसल्यूसेंट होती है. और इसके जस्ट नीचे जो है एक टफ थिन एंड कॉम्पैक्ट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम क्यूटिस कहते हैं. और उसके नीचे जो है क्यूटिस के नीचे एक थिक स्पॉन्जी सब क्यूटिस होती है जो कि जिलाटिनस मैट्रिक्स की बनी होती है और उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, सेल्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि उसमें स्कैटर्ड रहते हैं. और सो क्यूटिस और सब क्यूटिस जो है ये दोनों क्या करती हैं, ट्रावर्स बाई सिस्टम ऑफ कैनाल्स. यहाँ पे सिंगल लेयर है ये, एपिडर्मिस सिंपल है सिमिलर टू दैट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है इट इज़ स्ट्रेटिफाइड इन ऑल हायर कॉर्डेट्स पर, ये इनवर्टिब्रेट्स की तरह है इनकी. देन है मस्कुलेचर, जो वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर है, यहाँ पे मसल जो है जस्ट बिलो द स्किन जो है यहाँ पे ग्रेटर पार्ट है बॉडी वॉल का यहाँ पे. और ये बहुत ही थिक होते हैं डॉर्सोलेटरल रीजन्स में एनक्लोजिंग द नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड. सो मसल जो है वो डिस्टिंक्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं यहाँ पे और ये अरेंज रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी लेंथ एंड अ सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी शेप मसल ब्लॉक्स और सेगमेंट कॉल मायोटोम्स या फिर मायोमियर्स इनको हम कहते हैं, मायोटोम्स या फिर मायोमियर्स मायोमियर्स. तो ये जो है इसमें रहेंगे और
इसमें जो है 62 मायोटोम्स जो है वो पाए जाते हैं ऑन आइदर साइड एंड दे ऑल्टरनेट विद दोज ऑफ द अपोजिट सेक्स। ओके सो ये हो गया। फिर उसके बाद है पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ये एक मसल लेयर है लाइन इंटरनली बाई थिन लेयर ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम। ये कंटिन्यूस नहीं होती इन द फेरेंजियल रीजन बट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पैचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है इसका स्केलेटन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्केलेटन, सिलोम एंड एट्रियम, और उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।